गैप के अलग से 2-3 हजार रूपए ऐड कर लेते हैं। गैप के अलग से पैसे नहीं होते भैया, 48,000 रूपए की इसकी MRP होती है, 20% आपको डिस्काउंट। लो भाई मेन चीज चेक करो आप गाड़ी की। ओए होए, मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो साइड की वॉल वगैरह सब कुछ बनी हुई है। आप अगर गाड़ी चलाओगे, क्लच वगैरह दबाओगे तो वहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं टॉप मॉडल में हरे हरे शीशे दिख रहे हैं जी, अब इसमें भी है, ये चेक करो। इसमें भी भाई ग्रीन ग्रीन आपको मेरे नजर आ रहे होंगे। मार्केट शीशे होती है वो दे दिया जाता है, पर लास्ट में आपको बोल दिया जाता है यार अभी हमारे पास माल खत्म है, अब बाद में लगवा। तो भाई उस चीज पे क्वेश्चन कर सकते हो, पूरी आगे तक लगती है, आफ्टर मार्केट होती है। अच्छा ये ओरिजिनल है ना, तो ये महिंद्रा जेन्युइन है। ऊपर एलईडी हो गई, नीचे हैलोजन हो गई, पर एलईडी के सामने हैलोजन की लाइट कहाँ इतना पता चलती है। अच्छा खासा बोल्ड दिख रहा है, मस्कुलर एकदम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज एक बारी फिर से आप लोगों के लिए महिंद्रा की 3XO लेके आ गए। तो जय भाई क्या हाल चाल है? 3XO बनवानी हो तो कहीं नहीं जाना, आंख बंद करके जय भाई के पास आना है। तो हर बारी कुछ ना कुछ हम नया दिखाते हैं, तो जय भाई आज भी कुछ है अपनी ऑडियंस के लिए नया अपने पास? नया है तभी लेके आए हैं। तो भाई देख लो भाई, 3XO सामने खड़ी हुई है, वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जय भाई फ्रंट से स्टार्ट करें, कहाँ से करें? जो कि गोल शेप में मारुति की वगैरह के आते हैं वही इसके अंदर लग जाते हैं। ठीक है, और हेलोजन का ही सेटअप रखा गया। देखो भाई हेलोजन रखा हुआ है। हाँ, और हेडलैम्प में एलईडी कन्वर्ट किया है 220 वोल्ट का ट्रिपल कॉपर के अंदर, जो रोशनी में चालू करके दिखा देता हूँ। पार्किंग ऑन करना एक बार, पार्किंग ऑन होगी भाई, आपको लाइट चेक होगी। अच्छा जय भाई एक बात बताओ, अब जैसे ऊपर एलईडी हो गई, नीचे हेलोजन हो गई, पर एलईडी के सामने हेलोजन की लाइट कहाँ इतना पता चलती है? पर एक अगर सजेशन की बात देखी जाए तो इसके अंदर एलईडी ही डलवाना चाहिए। रेंज नहीं है तो कम रेंज वाली डलवा लो। हाँ, बेस्ट एलईडी ही, क्योंकि जब मैंने देखा है जिन गाड़ियों के अंदर ऊपर व्हाइट और नीचे पीली लाइट हो ना, तो व्हाइट के सामने पीली नजर ही नहीं आती है। कवर हटाने के लिए फॉग लैंप लग गया, लेकिन फॉग लैंप का रिस्पांस नहीं आएगा। हाँ सही कह रहे हो आप बिल्कुल। अच्छा फॉग लैंप का रिस्पांस चाहिए तो उसके लिए क्या बेस्ट है अपने पास? एलईडी डलवा लो आप, उसमें 80 वॉट से लेके हमारे पास 220 वॉट तक के, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप डलवा सकते हो। या फिर वो वाला प्रोजेक्टर जो हमने जो दिखाया है वाली वीडियो में, हाँ हाँ, रात में भी आता है, वन कलर भी आता है। ठीक है, बेस्ट रिस्पांस तो है ही नहीं। अच्छा एक बार ऑन करके दिखा रहे थे, आप ऑन करवाओ एलईडी ऑन करना। हेडलाइट ये देखो भाई, चेक कर लो एक बार आप लोग, थोड़ा सा रिस्पांस देख लो दिन के हिसाब से, प्रॉपर कड़ी दोपहरी में देख लो भाई, ऐसी लाइट आपको नजर आने वाली है। लो बीम हाई बीम भी करना भाई एक बारी, ये देखो लो बीम हाई बीम भी प्रॉपर ऐसे चलने वाली है। तो एलईडी के रिस्पांस में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा वारंटी वगैरह क्या रहती है एलईडी की? 2 साल की। आप कहीं से भी हो, दिल्ली से बाहर से हो, आप अपने सिटी से भी इसको चेंज करवा सकते हो। अच्छा हमें फोन करना है जो हमारी एलईडी खराब हो चुकी है, आप अच्छा। जो नियर बाय आपका मार्केट होगा जहाँ से आप चेंज करवा सकते हो। अच्छा वहाँ से भी हो जाएगी, आने की भी जरूरत नहीं है। लो ठीक है। अच्छा एक चीज और इसके अंदर जय भाई, मैं फ्रंट में देख पा रहा था, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगी यही। हाँ थोड़ा गाड़ी को बल्कि लुक देने, और अगर आप रियल लाइफ में देखोगे भाई, ये देखो ये बॉडी है, बॉडी से कम इतना बाहर है, ये अच्छा खासा बोल्ड दिख रहा है, मस्कुलर एकदम। ये महिंद्रा का जेन्युइन ओरिजिनल रहता है, रियर वाला भी पीछे चल के आपको और अच्छे से दिखा देंगे। तो जय भाई क्या कॉस्ट करती है ये चीज? ये भैया जितनी भी इसकी MRP होती है, इस पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा ऑन MRP 15% आप डिस्काउंट दे रहे हो, किसी पे 10 भी होते हैं, तो अलग अलग पार्ट के वो। हाँ मेन जो इसके अंदर लगा है, जो AX7 लग्जरी में आते हैं, जो सबसे बेस्ट इस गाड़ी का प्रोफाइल है, साइड से आप चेक करो तो देखो कितना बल्की बल्की सा गाड़ी लग रहा है, बिना अलॉय के तो समझ लो सोनी सी गाड़ी लगती है, बिना अलॉय के ना छोटी लगती है, अलॉय डालने के बाद बड़ी दिखती है गाड़ी काफी ज्यादा। ग्राउंड क्लियरनेस भी बढ़ गया है, ये चेक करो भाई आप एक बार लुक चेक। सबसे बड़ी बात है महिंद्रा का जेन्युइन प्रोडक्ट है, और JK के टायर लगे हैं 17 इंची के, स्टॉक 16 इंची आता है, 16 में आप क्या है उसके अंदर स्टॉक टायर में डलवा सकते हो, वो XUV 300 का होता है। अच्छा लुक पुराना ही लगता है, यही रिकमेंड करूंगा तो 17 इंची लगवाओ। और सबसे बड़ी बात है रेट में फर्क नहीं है, प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है, और एक चीज और भी है जय भाई, मैंने तो काफी लोगों को देखा है, मतलब काफी गाड़ियों के अंदर एलॉय व्हील डालते हैं, कैप के अलग से 2-3 हजार रूपए ऐड कर लेते हैं। कैप के अलग से पैसे नहीं होते भैया, 48,000 रूपए की इसकी MRP होती है, 20% आपको डिस्काउंट। अच्छा 20% उस पर डिस्काउंट है, जिसके अंदर कैप इंक्लूडेड है, कैप इंक्लूडेड है और फिटिंग भी इंक्लूडेड है, फिटिंग भी इंक्लूडेड है, उसके भी कोई चार्जेस नहीं है। डिफरेंस जो होता है वो उसी टाइम आपको पता लगता है आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, तो उस हिसाब से आपको मिलता है।
ठीक है, तो मतलब ये अलॉय व्हील की बात हो गई, जिस भी किसी को अलॉय व्हील डलवाना है तो भाई जय भाई के पास आ जाना। नंबर चाहिए आपको तो सिंगल अलॉय भी आके लगवा सकते हो हमारे काउंटर पे, एनी टाइम अवेलेबल होता है। फिर भी एक बारी कंफर्म करके आना, और पैन इंडिया डिलीवरी भी करवाना है तो पैन इंडिया डिलीवरी भी करवाना। ठीक है ठीक है, तो भाई देख लो, बाकी विजिट कहाँ पे करना है, आरबी कार्ड एकोर पे, नंबर आपके लिए स्क्रीन के ऊपर चल ही रहा होगा। तो साइड प्रोफाइल के अंदर ये लगी है, गार्निश लगा है, जो ठीक है, खाली जगह आता है, क्रोम से इसको भर दिया। यहाँ पे देखो क्रोम गार्निश लग गई, तो व्हील आर्च एकदम कंप्लीट हो गया है इसमें। ठीक है, चेक करो विंडो लोअर विंडो गार्निश है, जेन्युइन प्रोडक्ट, डोर वाइजर है, क्रोम लाइन है। और भाई देखो इसकी लोअर विंडो गार्निश में एक चीज और है, यहाँ तक लगती है, अगर कोई आपकी में यहाँ तक लगा तो भाई उस चीज पे क्वेश्चन कर सकते हो, पूरी आगे तक लगती है, आफ्टर मार्केट होती है। अच्छा, ये ओरिजिनल है ना, तो ये महिंद्रा जेन्युइन है, मड फ्लैप भी ओरिजिनल महिंद्रा के लगे हैं। तो भाई महिंद्रा जेन्युइन सामान लगाने में वैसे कस्टमर को फायदा, आप डिस्काउंट भी अच्छा दे रहे हो और माल भी ओरिजिनल महिंद्रा का लग रहा है, महीने बाद या छह महीने बाद किसी भी चीज में प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब टेंशन वाला काम ही नहीं है, कोई भी एक ही बार कराओ फ्री हो, फिर एकदम फ्री हो जाओ। चेक करो, पूरी गाड़ी डांस करती है इससे, ये हमारा ओरिजिनल की जो पहचान होती है, यहाँ से ये डिजाइन दोनों होता है। देखो ये रूफ रेल का डिजाइन चेक करो, और यही सेम डिजाइन आपको इसकी लाइट के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, मैंने सुना था इसमें तो ऑटो फोल्ड भी हुआ है, ऑटो फोल्ड जो मेन चीज। लो भाई मेन चीज चेक करो अब आप गाड़ी की, ओए होए, अनफोल्ड, ये ओरिजिनल महिंद्रा का, ओरिजिनल महिंद्रा जेन्युइन भाई साहब, ये बढ़िया चीज हो गई इसके अंदर, है ना। तो इसके लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताओ जय भाई। महिंद्रा के जेन्युइन होते हैं, ठीक है, चाबी से कंट्रोल ना करना चाहे तो अंदर स्विच से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, चेक करो भाई एक बार, आपको मैं दिखाता हूँ, ये हमारा वन टच। तो इसमें कटिंग होती है, क्या होता है? नहीं नहीं, इसी पार्ट में लग जाता है, इसी पार्ट में लग जाता है ना, जिधर की साइड करके उधर वाला आप एडजस्ट भी कर सकते हो। चलो वो मैं आपको अभी आगे चला के दिखाऊंगा, बट फिलहाल की बात ये है कि इसके अंदर लॉक अनलॉक पे भी फोल्ड अनफोल्ड होगा। अच्छा। सही है, ये चीज मतलब बहुत बढ़िया, अगर किसी को लगवानी है तो क्या खर्चा रहेगा इसके लिए? ₹10,500। हाँ तो जय भाई आप कह रहे थे ORVM जो है वो तो प्रॉपर 10,500 का आप दे रहे हो, महिंद्रा जेन्युइन, मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट काम पे होता है, ये नहीं सिर्फ आओगे आप बोलोगे मेरे को साइड मिरर लगा दो, तो हाँ। साइड मिरर का रेट भी ठीक 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 पहले चीजें भाई देखो क्लियर रहेंगे, आप कॉल करके कांटेक्ट कर लोगे तो और बेस्ट रहेगा। मुझे लग रहा है गाड़ी के अंदर अगर 10 काम हुए तो 10 में से 8 काम तो महिंद्रा जेन्युइन ही है। महिंद्रा जेन्युइन क्या होता है भैया, देखो आप किसी भी स्टोर से काम करवाते हो, हाँ, जरूरी नहीं है करोड़ बागी कहीं भी कराते हो तो आपको महिंद्रा जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं दिया जाता, आजकल मार्केट चीजें होती है वो दे दिया जाता है, और लास्ट में आपको बोल दिया जाता है यार अभी हमारे पास माल खत्म है आप बाद में लगवा, माल होता ही नहीं है, सीट कवर लगा दिया, मैट लगा दिया, डोर वाइजर लगा दिया, ये सब लगा दिया, LED लगा दिया, एम्बिएंट लाइट लगा दिया, वो जो जेन्युइन सामान है वो दिया ही नहीं जाता आपको, क्योंकि वो होगा तभी तो देंगे, हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है ना, और लोग झूठ बोल के बुला लेते हैं कि आप ये सामान है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खैर हमें और से क्या मतलब अपने पास, तो भाई जो चीज हम दिखा रहे हैं सब दुनिया भर का स्टॉक है, बहुत बोलना नहीं जी, करोल बागी में जितने मैंने गाड़ी कर दी है ना, हाँ, उतनी गाड़ी करोल बागी नहीं पहुंची जितनी मैंने कर दी है। हाँ भाई बहुत सारी 3XO बना दी है, हाँ, तो पीछे क्या करा अपन, टेल लाइट कनेक्टेड, MX3 मॉडल लेते हैं जो फर्स्ट चॉइस होती है कस्टमर की, पहले कनेक्टिंग टेल लाइट लगाते, बिना इसके ना गाड़ी में मजा नहीं आता है, गाड़ी में दो चीजें ऐसी हैं इसमें जय भाई, लुक देखो इसकी, हाँ, जैसे सी हो गया ऊपर सीधा हो, एक दो चीज ऐसी हैं इस गाड़ी के अंदर जय भाई जो मुझे लगता है लगनी ही चाहिए, एक ये कनेक्टेड टेल लाइट और एक अलॉय व्हील, ये दो चीज लगनी चाहिए, ये दो चीज लगते हैं, होता है अलॉय व्हील का ना कस्टमर का बजट नहीं होता, हाँ, तो सब अपने अपने बजट से ही काम कराएंगे ना, करेक्ट करेक्ट, हाँ, सही बात है, ये दो चीज होना जरूरी है, हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये बजट कस्टमर का बजट होना चाहिए, हाँ, पर ये तो सस्ती आती है तो आप काफी सस्ती दे रहे हो, तो ₹20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो बहुत सस्ती मिल रही है, और ये यहाँ पे शार्क फिन नहीं लगाया आपने, क्या बात है, कंपनी वाली आई नहीं है महिंद्रा का, अच्छा अच्छा, आफ्टर मार्केट हम रिकमेंड नहीं करते, उसमें रेडियो वगैरह नहीं चलता है ना, इसलिए वो नहीं करते, वो क्या है
टेस्टिंग भी उसकी उतनी खास नहीं होती, फलने में डर रहता है। अच्छा अच्छा, महिंद्रा का आएगा तो वो भी लगा के हम दिखा देंगे, छोटी सी चीज है, उतना फोकस था नहीं इसे। अब एक चीज और देख लो भाई, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये समझ में आएगा कि भाई अननेसेसरी कोई गलत चीज रिकमेंड नहीं करते अपनी तरफ से, क्योंकि कल के दिन को आप भी परेशान हो और हमारा भी मतलब दिक्कत है। गाड़ी की बहुत वैल्यू होती है, कोई भी गलत सामान हम लगा देंगे 100-200-500 कमाने के लिए, कल को जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो वो चीज हम नहीं करते, वो काम नहीं होता अपने पास, है ना। ठीक है, रियर बंपर एड ऑन किया है, ये भी महिंद्रा का जेन्युइन प्रोडक्ट है, प्यारे फ्लैग में ये भी आपको मिलेगा। जैसे भाई फ्रंट के अंदर लगाया था, आप ये देख रहे हो पूरा पीछे की तरफ भी, ये प्रॉपर पेस्टिंग होती है, क्या होता है भाई इसमें? पेस्टिंग होता है प्रॉपर, अच्छे से बोल्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, मतलब डबल काम होता है इसके अंदर, पेस्टिंग तो होती होती है, उसके साथ बोल्ट भी टाइट हो जाता है। तो रियर के अंदर भाई ये स्किड प्लेट हो गई इसकी प्रॉपर, सारा काम हुआ है, अब अंदर से दिखाते हैं। चलो अच्छा, देखो एक चीज और है, पीछे की तरफ भी आप ये देख रहे हो जो क्रोम लगा है, ये दो पार्ट में आता है, इधर का अलग इधर का अलग, चारों टाइप में। चलो फिर अंदर चलते हैं। डोर पे तो इनर हैंडल या सॉफ्ट टच या ये पियानो या एम्बिएंट लाइट आप चेंज करवा सकते हो, अपने पास सब अवेलेबल है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है, जो वो कहते हैं वो हम करते हैं। अच्छा, इनर हैंडल वगैरह कितना कॉस्ट करते होंगे लगभग? भैया आपका 2800 रुपए का होता है चारों। हाँ जी, सस्ते ही है, ज्यादा महंगे नहीं है ना। ठीक है, ऐसे रेट है, जैसे ये पियानो ब्लैक है तो ऐसे ये भी पियानो चेंज करा सकते हैं, इसकी तो डिमांड है, लेकिन अभी हमारे पास ना माल खत्म है ये वाला। अच्छा, आने वाला है? हाँ, माल आने वाला है, आने वाला है, तो जब तक लोग वीडियो देख रहे हो क्या पता अभी गया हो। ठीक है, तो भाई जब तक आप देख रहे होगे, डबल कट के साथ होता है, महिंद्रा का ओरिजिनल चीज होती है। आप एक चीज और देखो, स्टीयरिंग व्हील में जैसे जब ड्राइव करेंगे तो यहाँ पे अंगूठे की ऐसे फिटिंग आनी चाहिए ना, तो उस चीज के ऊपर भी प्रॉपर 00 फिटिंग है। और कॉर्नर्स चेक करोगे ना, एक बार आपको प्रॉपर जूम करके दिखा देता हूँ, कॉर्नर्स पे से जो फिटिंग भाई मतलब बेस्ट एकदम। एक बार जब भाई ये ऑटो फोल्ड अंदर से तो चला के दिखाओ, ये देखो भाई ये फोल्ड हो गया, ये हो गया अनफोल्ड, और एडजस्टमेंट भी कर दो एक बारी भाई, यहाँ से एडजस्ट करेंगे, मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले भाई देखो, इसको एडजस्टमेंट करने के लिए क्या होता है, जो गोल वाली आपका नोब रहता है ना, सेंटर में रहती है, लेफ्ट कर दोगे लेफ्ट ओवर भी हम, राइट कर दोगे राइट ओवर भी हम, तो जब भाई एडजस्ट करेंगे राइट वाला करके, नीचे ऊपर हो गया, अंदर ये बाहर, तो ये प्रॉपर देख लो भाई आपके इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल अनफोल्डेबल ओआरबीएम चलते हैं, और अगर बटन ऐसे दबा दोगे तो ये बंद हो जाते हैं, सही है, और इधर कर दोगे तो अनफोल्ड हो जाएगा। ये भी चीज एकदम परफेक्ट बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है, मैंने चेक करवा दिया आपको। इसके बाद ये 90 मैट डाला गया है। अरे वाह यार, ये मैट काफी प्रीमियम लग रहा है भाई देखने में, ये इससे ऊपर मैट ही नहीं, मतलब इसके अंदर आप देख रहे हो साइड की वॉल वगैरह सब कुछ बनी हुई है, आप अगर गाड़ी चलाओगे क्लच वगैरह दबाओगे तो वहां भी दिक्कत नहीं आएगी, और प्लस सारी गंदगी इसके अंदर ही रह जाने वाली है। डलता ही है ज्यादातर मैट फॉर्च्यूनर में। हाँ जी, अरे वाह भाई, अच्छी क्वालिटी का, नहीं जेन्युइनली इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, और ये वेलक्रो से हट जाएगा, वेलक्रो से हट जाएगा, निकाल के झाड़ो, निकालो और झाड़ के अपना वापसी डाल सकते हो, तो ये चीज के अंदर बहुत बढ़िया है। एक यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रही है भाई, वो 3XO लिखा हुआ होता तो लाइट हमारे पास अवेलेबल था, कस्टमर को पसंद नहीं आया इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई चलो वेलकम लाइट अवेलेबल है इसकी, और क्या दिखा रहे थे आप? टॉप नॉच क्वालिटी का सीट कवर, सबसे प्रीमियम अभी तक की गाड़ी में सबसे प्रीमियम सीट कवर लगा के दिया हमने। देख लो भाई सीट कवर चेक कर लो, विद एयर बैग रहते हैं अपने, जैसे की जैसे की आपको पता है जय भाई दिखाते हैं हर वीडियो में, यहाँ पे एयर बैग का ऑप्शन रहता है इधर की साइड, इसको आगे कर देते हैं और अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। ये देख लो भाई, इसके अंदर भी वेलक्रो लगी रहती है, वेलक्रो से होता है, वेलक्रो से चिपका रहता है, इससे अच्छी फिटिंग आ जाए एकदम, ऐसे फिटिंग के अंदर दिक्कत रहे इसलिए वेलक्रो लगी रहती है। एक ऑप्शन हमारे पास और आ चुका है, हाँ, सीट हाइट एडजस्टेबल और पीछे आमरे, अभी अच्छा। मैं वीडियो में लास्ट में दिखा भी दूंगा। अच्छा, वो भी अपने पास, वो भी, क्योंकि इसके अंदर भाई आप सीट को ना ऊपर नीचे एडजस्ट नहीं कर सकते हो, बस आगे पीछे और क्या नाम है इसको, रिक्लाइन और इनक्लाइन कर सकते हो, बट अब ऊपर नीचे भी होगी अपने पास, ऊपर नीचे भी होगी, टॉप मॉडल वाली। सारा सामान कहाँ मिलेगा? वन एंड ओनली आरबी कार डेकोर, सारा सामान अवेलेबल है। लो भाई पीछे चेक करो, आगे हमने अच्छा कर दिया तो पीछे ध्यान नहीं दिया, ये देख लो सीट की फिटिंग फिनिशिंग। अगर आपको कहीं भी पैन इंडिया डिलीवरी भी मंगवाना है ना, सिर्फ सिंगल पार्ट या दो तीन पार्ट, तो आपको मैं कुरियर भी करवा दूंगा। अच्छा, कुरियर का भी ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, अगर किसी को चाहिए ओवरऑल पैन इंडिया तो भाई को कॉल कर लेना, कॉन्टेक्ट कर लेना, कुरियर भी हो जाएगा। बाकी उसके अलावा इसके इंटीरियर में एक दो चीजें और हैं जो हो सकती हैं, दो चार चीजें हैं जैसे सॉफ्ट टच, एम्बिएंट लाइट, इनर हैंडल, बाकी तो सारी चीजें हमने करी दी है गाड़ी में और कुछ रहता नहीं है। बाकी देखो जय भाई का कहना है जैसे आपका बजट अलाउ करे वैसे काम करना चाहिए, है ना। देखो भैया कस्टमर का बजट होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, सही बात है, तो बोलेंगे यार गाड़ी लेके आओ कम्प्लीट काम करा जाओ, कम्प्लीट के लिए तो 1.5 लाख रुपए चाहिए कम से कम,
कस्टमर का बजट 1.5 लाख रुपए का थोड़ी ना होता है। सही बात है। कोई कस्टमर आता है हमारे से 20,000 रुपए का भी काम कराता है, कोई आता है 50,000 रुपए का भी काम कराता है। इस गाड़ी में सपोज मानो आप 1.25 लाख रुपए का काम, 1,25,000 रुपए। सही बात है। वीडियो हमने दिखाई थी 1995 का था, 98,000 का काम। तो मतलब अपने तरफ से कोई प्रेशर नहीं होता कस्टमर के लिए, कोई वो नहीं है। जो लगवाना है लगवा लो, जो लगवाना है वो लगाओ। ये होता है गाड़ी में अगर हम अच्छा काम करवाते हैं तो एक लुक वाइज या काम का जो एक वो दिखता है वो सबसे बड़ी चीज है। सही बात है, काम की क्वालिटी दिखनी चाहिए, है ना। अब हमने कोई भी इसमें काम किया है, हर प्रोडक्ट या हर पार्ट पे हम लोग ध्यान दे के ही काम करवाते। देखो फिटिंग मैंने अपनी वीडियो में सबको दिखाई है, स्टीयरिंग व्हील पे देखो क्या बढ़िया फिटिंग आ रखी है, अलॉय व्हील वगैरह देख लो। एक बार कैमरा घुमा दिया तो वही वो है, कहीं भी कोई भी चीज है तो सारी चीजें आप वहाँ चेक कर सकते। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी 6 फीट एडजस्टेबल सीट देख कर फिर एक बार भैया से रिव्यू लेते हैं जिनकी गाड़ी है उनका क्या ओपिनियन है गाड़ी को लेके। चलो फिर सीट अंदर ही दिखा दे, चलो आओ। चलो भाई सीट चेक करो एक बार आप लोग। चलो जी, ब्रांड न्यू टॉप एंड मॉडल वाला हाइट एडजस्टिंग सीट। चलो भैया बैठ गए। इधर से दिखाते हैं, ये देखो भाई इस हैंडल से ही समझ में आ जाएगा, ये वाला हैंडल नहीं होता उसमें। हाँ हो रही है ऊपर नीचे। देखो भाई वीडियो में अगर इतना नाम पता चले तो आप लोग समझ जाना कि ये जो लीवर है ना, इस लीवर से ही समझ में आएगा ओरिजिनल महिंद्रा की। यहाँ से उठे ये देखो, पन्नी हटा दूँ? हाँ आप करो, आप ये चेक करो भाई, ये देख रहे हो ऊपर जा रही है, अभी ये नीचे जा रही है। हाँ तो प्रॉपर अपने पास सीट भी आ चुकी है, सीट भी आ चुकी है और पीछे के बैक में जो आर्मरेस्ट होता है उसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीट रिप्लेस करवा सकते हो उसका। अच्छा पूरी सीट ही रिप्लेस हो जाती है? पूरी सीट रिप्लेस हो जाएगी, जैसे ये होगा वैसे ही होगी, क्योंकि कटिंग वटिंग तो करवानी नहीं चाहिए, बेकार हो जाती है ना। कामयाब नहीं है, देखो 7-8 हजार रूपए आप खर्च भी करोगे उसके ऊपर आर्मरेस्ट के ऊपर तो कोई फायदा नहीं, वो कामयाब ही नहीं है, कुछ दिन में लटक जाएगा। ये देखो भाई लुक तो गाड़ी की यहाँ से आ रही है एकदम बढ़िया वाली है, चेक करो, लेकिन ये एकदम बढ़िया फुल पावर। तो जय भाई आप क्या कह रहे थे कि अब इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में लोगों को गाड़ी में परेशान नहीं होना पड़ेगा, उसका भी आपने इंतजाम करा है कुछ? दिखा दो इसी बात पे। जो आई स्कूल होता है यूवी कट्स के साथ आता है, जो ग्रीन शेड वाली आती है ना। अच्छा जैसे इस गाड़ी में टॉप मॉडल में हरे हरे शीशे दिख रहे हैं जी, अब इसमें भी है, ये चेक करो इसमें भी भाई ग्रीन ग्रीन आपको मेरे नजर आ रहे होंगे। इनके ऊपर कोई चलान भी नहीं होता और धूप भी आपकी 70% बाहर रहती है, सिर्फ 30% अंदर जाती है। तो ये काम बढ़िया कर दिया जाए भाई आपने, इसी मुझे बहुत बढ़िया लगी। पहचान के लिए मैं दिखा भी देता हूँ, ये लिखा हुआ आपको यहाँ ब्रांडिंग मिल जाएगी। चेकआउट कर लो भाई, कोई चलान नहीं होता। अच्छा अच्छा सर्टिफाइड रहता है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। चलो अब एक बार भैया को बुला लेते हैं जिनकी गाड़ी है और भैया का थोड़ा सा फीडबैक लेते हैं, ओवरऑल काम वाम कैसा लगा है। तो भाई देखो भैया आ गए हैं जिनकी गाड़ी है, तो भैया कैसे हो, क्या हाल चाल है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। एकदम बढ़िया हो आप? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। तो और कैसा लगा आज जय भाई के पास आपको आके और काम करा के? काम करा के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही जेन्युइन काम किया है इन्होंने। अच्छा और एक बिल्कुल पहले भी मैं आया था यहाँ पे। अच्छा और जो थोड़ा काम मेरा पेंडिंग रह गया था वो इन्होंने आज कम्प्लीट कर दिया, बिल्कुल टाइम से किया काम। टाइम से किया काम, टाइम से किया काम, बहुत अच्छा किया। आपको जैसे आपकी गाड़ी के अंदर बहुत सारे महिंद्रा का ओरिजिनल सामान लगा है ऑलरेडी सारा, हाँ ऑलमोस्ट ओरिजिनल ही लगा है, तो ओवरऑल काम की क्वालिटी फिटिंग विटिंग कैसी है? बिल्कुल एक क्लास, एक क्लास बिल्कुल एकदम बिल्कुल, मतलब देख के ऐसा नहीं लगेगा बाहर से काम कराया है। इन्होंने भी जो डाला है इसमें सारा की सारा महिंद्रा जेन्युइन पार्ट ही डाला है। हाँ जैसे आपने जो भी लगवाया है, जो भी लगवाया है ठीक है, बाहर का कुछ नहीं है, सारा महिंद्रा जेन्युइन प्रोडक्ट है। अच्छा जैसे हम वीडियो में दिखाते हैं अपने पास दुनिया भर का सामान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामान सारा मिला है ना आपको? सारा मिला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं दिखाते हैं कि हम पे है बुला लेते और होता कुछ है नहीं है। मैंने तो बिल्कुल जेन्युइन चीज को चेक किया है, बॉक्स को खोला है, बॉक्स को पढ़ा है कि यहाँ पे जेन्युइन महिंद्रा का है। ठीक है आपने हर चीज अच्छे से चेक करी है। थोड़ा सा प्राइस और बताओ भैया के प्राइस कैसे हैं? प्राइस बहुत रीजनेबल है, रीजनेबल है प्राइस, बिल्कुल रीजनेबल। जैसे प्राइस वीडियो में हम बताते हैं कि इतने परसेंट 20% डिस्काउंट ये सारी चीज आपको मिली है? हाँ बिल्कुल मिली है, और प्लस में एक बात उन्होंने और बताई कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हाँ जी, तो मैं बैठा हूँ, अगर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है किसी भी उसमें तो आप मेरे पास आना और मैं उसको देखूंगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे, मतलब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, है ना। तो मतलब हाँ जी, पहले तो इन्होंने कुछ ऐसे हैं इसमें जिस पर 2-2 साल की वारंटी है। हाँ जी, प्रोजेक्टर लाइट है, हाँ उसकी 2 साल वो, हाँ लाइट की जो LED लाइट है उसकी 2 साल की वारंटी है, मतलब जो कंपनी से लाइट आ रही है इतनी बढ़िया नहीं है ना वो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की जो वारंटी है, हाँ वो वारंटी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लग टू प्लग, कपलर टू कपलर, बिल्कुल
मतलब भैया का कहना है कि जो कंपनी से महिंद्रा जो वारंटी दे रही है गाड़ी की, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, वो भी एज इट इज बरकरार रहेगी। और अब जितना भी काम हो गया, गाड़ी एकदम अब आपकी टॉप मॉडल लग रही है, अब कौन बोलेगा नीचे का वेरिएंट है, एलॉय वेलॉय डल के सब कुछ हो गया। तो थैंक यू भैया। हाँ जी, वो है मेरे ब्रदर-इन-लॉ का बेटा है। हाँ जी, इसने भी काम देखा, कहा कि भूपा जी ये काम तो बिल्कुल ऐसे कंपनी से काम जैसा होता है, बिल्कुल इस तरह से काम हो रहा है भाई। आपको बढ़िया लगा काम, कहीं पे कोई मतलब कमी पेशी तो नहीं नजर आई? बिल्कुल नहीं, सारे काम बहुत बढ़िया। हाँ जी, जय भैया के पापा ने इनको पूछा, बेटे खाना खाओगे? कोल्ड ड्रिंक पिलाई भाई, खाना खाओगे? ऑलमोस्ट मतलब ऐसा लगता है कि जैसे खास दोस्त के यहाँ पे आ गए हैं, अपनी शॉप पे आए हैं। नहीं भैया देखो, उस चीज में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा और काम भी आपको एकदम टॉप नॉच करके देंगे। बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। हाँ जी, जय भाई के साथ हम अब आगे से मिल गए हैं और ठीक है भैया, थैंक यू, आपने सारी चीजें बताई। तो भैया एकदम खुश है काम से, एकदम सेटिस्फाइड है। तो अपने पास भाई, अगर आप में से भी कोई काम कराने आएगा तो आपको ऐसा ही बिहेवियर मिलेगा, ऐसा ही काम मिलने वाला है और बेस्ट प्राइस मिलने वाले हैं, है ना? तो ठीक है भाई, हाईली रिकमेंडेड। अगर किसी को काम कराना, विजिट करो आरबी कार डेकोर के ऊपर। और डिटेल्स बता दो एक बार यहाँ की। दिल्ली करोलबाग आरबी कार डेकोर से हमारे शॉप है नियर बाई, ये लिफ्ट वाली पार्किंग के ठीक सामने शॉप, लिफ्ट वाली पार्किंग के ठीक सामने। तो ठीक है भाई, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को महिंद्रा XUV 3XO के ऊपर हमने सारा काम दिखाया, विद प्राइस वीडियो रहने वाली है। तो जिसे भी काम कराना है फटाफट से कॉन्टेक्ट कर लो जय भाई से, नंबर है स्क्रीन पर चल रहा होगा।